पिछला चुनाव का जो प्रदर्शन रहा है 19 में वो जीरो पर उन लोग आउट हुए हैं, तो कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन गया तो एक ऐसी जगह है जहाँ जनसंघ के इलाके से समय से ही लोग जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी NDA यहाँ इतनी मजबूत है, प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी जी, जो पूरे बिहार में और देश में उनको लोग जानता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है, तो जनता उनको चाहती है कि एक बार गया का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। देखिए, अभिवादन करने में अगर कोई सर झुकाता है और किसी के प्रति किसी की श्रद्धा होती है, वो पैर छूना नहीं कहते हैं। पैर छूने का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो पैर छुआ नहीं। हम लोग भी किसी का अभिवादन करते हैं, हम अपने जनता से भी अभिवादन करते हैं। पशुपति नाथ पारा जो पारस जी हैं, माननीय अभी सांसद हैं हाजीपुर के, और उन्होंने समर्थन दिया है NDA को, और NDA में भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि क्या करना है। लेकिन अभी समर्थन हम लोग को दिए हुए हैं, पक्ष में सुने हैं, प्रचार भी करने जाएंगे हाजीपुर में, तो हम स्वागत करते हैं। सही समय पर उन्होंने फैसला लिया है। देखिए, हर पार्टी का अपना रणनीति होता है, उसको हम किसी तरह से नहीं देख रहे हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि 19 तारीख को जो मतदान होगा उसमें भारी संख्या में हम लोग के पक्ष में मतदान होगा और बहुत मतों के फासले से हम लोग जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को? डर लग रहा है लगातार, गया क्षेत्र का 2 दिनों तक लगातार दौरा किए, कल भी किए थे और आज भी किए। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन आशंका तो होगा ही। और पिछला चुनाव का जो प्रदर्शन रहा है 19 में, वो जीरो पर उन लोग आउट हुए हैं, तो कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन गया तो एक ऐसी जगह है जहाँ जनसंघ के इलाके से समय से ही लोग जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी NDA यहाँ इतनी मजबूत है, और उसके बाद हमारे पास जो प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी जी, जो पूरे बिहार में और देश में उनको लोग जानता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है, तो जनता उनको चाहती है कि एक बार गया का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें, और जनता सब उनके लिए मन बना चुकी है। तो तेजस्वी जी अब 5 बार आए, 10 बार आए, कैंप ही कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री गया आ रहे हैं, मांझी जी लगातार उनका वो पढ़ाई करते रहे हैं और पहले भी कई मंच साझा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या लगता है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोली, नवादा में आया, नवादा के बाद अब गया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी स्टार कंपेनर हैं NDA के, और प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ जीत की गारंटी होती है, और गया भी आ रहे हैं, और वो तो मगध ऐसा पहली बार हमने देखा है। और हम आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जितनी उनमें ऊर्जा है, और गया मगध के चारों सीट पर वो आ रहे हैं, 3 जगह वो कर चुके हैं, 4th गया है, तो हम समझते हैं कि उनका ये मेहनत जरूर रंग लाएगी और 400 पार का जो नारा है हम लोग निश्चित तौर पर अचीव करेंगे। कल अमित शाह का औरंगाबाद में दौरा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने जब मीडिया सवाल किया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब बिहार की में आगमन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, यहाँ मुद्दे की बात करें। अब मुद्दे की बात तो हम लोग करते ही हैं, NDA मुद्दे की बात करती है, देश में कैसे विकास हो, कैसे सैन्य शक्ति बढ़े, कैसे साइंस टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, चाहे हमारे मुद्दा जो घोषणा पत्र में था भारतीय जनता पार्टी NDA का, 370 हटाने का बात हो, राम मंदिर बनाने का बात हो, अब महिला आरक्षण बिल की बात हो, सब तो हम लोग कर रहे हैं। वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार से बचने के लिए उनका मुद्दा है, वो सब NDA गठबंधन सब मिल कर करके 26 पार्टी मिल के ऐसे लोग मिल के डर से मिल करके बैठे हैं, उनका मुद्दा हुई है कैसे हम बचे, और एक ही मुद्दा उनका है कि हम नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, तो वो मुद्दा पर चल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है और सब डरे सहमे लोग हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब नीतीश कुमार बिल्कुल गिर चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का पैर छू लिया। तेजस्वी ने भी कह दिया कि कुछ बचा नहीं, प्रधानमंत्री के पैर छू लिए नीतीश कुमार। देखिए, अभिवादन करने में अगर कोई सर झुकाता है और किसी के प्रति किसी की श्रद्धा होती है, वो पैर छूना नहीं कहते हैं। पैर छूने का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो पैर छुआ नहीं। हम लोग भी किसी का अभिवादन करते हैं, हम अपने जनता से भी अभिवादन करते हैं, जो गरीब जनता से भी करते हैं, तो हम सर झुका लेते हैं। तो ये तो आपका कटसी है, आपका संस्कार है, जो लोग इसको नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम क्या कहें। गया लोकसभा में किस मुद्दे पर आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, गया का विकास के मुद्दा है, गया का जो बर्निंग इशू है सबसे बड़ा है कि बीतो बांध जो वहाँ से सोन नदी से पानी लाना है, अंता सलीला को सता सलीला करना है, माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगा के पानी को लिफ्ट करके लाया है, हम लोग चाहते हैं कि पटवन में भी उसका काम आए और उधर से भी पानी आ जाए, तो पानी हमेशा रहेगा उसमें। दूसरा बात है कि उसके दोनों तरफ पर अगर रोड मरीन ड्राइव टाइप के हो जाए तो वहाँ पर जो पर्यटक जो आते हैं वहाँ पर उनके लिए एक माहौल मिलेगा, वहाँ आएंगे
पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। विष्णु कॉरिडोर बनाने, काशी के तर्ज पर बनाने की बात हो रही है। हमारा पर्यटन स्थल रहा है गया, धार्मिक स्थल रहा है, तो उस क्षेत्र में हम कैसे विकास करें कि गया की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी है, उससे और ज़्यादा इसमें इजाफा हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी गया में है, इसका विकास करने की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़े इस एयरपोर्ट का, क्योंकि ज़्यादा पर्यटक आएंगे। 5-स्टार होटल भी निर्माण हो रहा है और 5-स्टार होटल बने, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में IIM देखिए बना है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ है, और भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुले, ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा। और हम समझते हैं जीतन राम मांझी जी, बिहार में बेरोजगारी को लेकर युवा काफ़ी परेशान रहते हैं, गया लोकसभा में के युवाओं के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, गया ऐतिहासिक धरती है, इसकी पृष्ठभूमि एक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। अगर हम पर्यटक का यहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा देते हैं, पर्यटक यहाँ आने लगे, तो निश्चित तौर पर रोज़गार भी यहाँ पर मिलेंगे। रोज़गार जब सृजन होंगे तो युवाओं को पलायन भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी जब सरकार बनी है, आप देखे होंगे कितने रोज़गार दिया गया है, एक रिकॉर्ड हुआ है कि एक महीने में इतने हम रोज़गार दिए हैं, तो हम तो धीरे धीरे रोज़गार दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की 10 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, तो आने वाला समय में वो तो होगा ही। लेकिन अगर गया का विकास हो पर्यटन के क्षेत्र में, तो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा लोगों को, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो डेयरी पर है, कोई चीज़ दुकान खोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके रोज़गार मिलेगा, तो प्लान नाम की चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। पशुपति पारस लगातार कर रहे हैं NDA के पार्ट हैं, लेकिन NDA ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया, तब भी वो लगातार कह रहे हैं कि हम NDA के पार्ट हैं। क्या लगता है, पारस जिस तरह से एक्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन आज उनको एक भी सीट नहीं है, और ऐसे वो बार बार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का के साथ हूँ और आगे भी उनका हिस्सा बना रहूँगा? देखिए, पशुपतिनाथ पारा जो पारस जी हैं, माननीय अभी सांसद हैं हाजीपुर के, और उन्होंने समर्थन दिया है NDA को, और NDA में भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि क्या करना है। लेकिन अभी समर्थन हम लोग को दिए हुए हैं, पक्ष में सुने हैं, प्रचार भी करने जाएंगे हाजीपुर में, तो हम स्वागत करते हैं। सही समय पर उन्होंने फैसला लिया है, अगर ये फैसला पहले लिए होते हैं तो निश्चित तौर पर NDA में उनको स्थान मिलता और कोई ना कोई सीट उनको मिलता लड़ने के लिए। लेकिन हठधर्मिता जो था उससे हमें उनको बचना चाहिए था, लेकिन अभी भी कोई हुआ नहीं है, अभी समर्थन करें, इसके बाद भी आगे चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, NDA में उनको एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।